बाकी इस पर भी पानी डाल के देखेंगे। रुको थोड़ा, पहले मैं यार स्कूटी साफ कर लूँ, वरना इसके चक्कर में ना मैं स्कूटी अच्छे से साफ नहीं करूँगा। वैसे रेनी सीजन में बारिश होती है, वैसे पानी डालेंगे, मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं डालेंगे, ऐसे डाल के तो 100% जाएगा ही जाएगा, थोड़ा ऐसे डालते हैं जैसे बारिश हो रही है कि उसके ऊपर ड्रॉप्स जा रही है। ये देखो गई जा रही है। लेकिन अगर उस रबड़ में पानी टिका हुआ और तुमने तब ये फ्यूल टैंक खोला ना, तो उससे हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं चैनल आपका अर्जुन और मैं हूँ आपका अर्जुन। और ये देखो मेरी स्कूटी कितनी गंदी हो रखी है, नंबर प्लेट तक गंदी है। और जो मेन चीज़ मेरे को सबसे गंदी लगती है वो ये देखो, इधर कितनी मिट्टी चिपकी पड़ी है। तो आप इसको धोने चलते हैं। बाकी मेरे को एक ये चीज़ देखनी है, ये देखो अभी भी इसमें ओस जमी पड़ी है, कि अगर हम इसमें थोड़ा पानी डालते हैं ऊपर से जैसे रेन्स वगैरह पे, तो इसके फ्यूल टैंक के अंदर पानी जाता है या नहीं जाता। ये रहा मेरे पास सारा स्कूटी वॉश करने के टूल्स, अब चलते हैं। मिरर्स तक इतने गंदे हो रखे हैं। और फर्स्ट स्टार्ट है ये मेरा सुबह का, तो किक से ही करूँगा। ये देखते हैं कितनी किक में स्टार्ट होगी। एक और आज मैं भी नहीं नहाया कि स्कूटी साफ करनी है, पहले स्कूटी साफ करेंगे उसके बाद नहाऊंगा। चलो अब चलते हैं। बस पानी आ रहा है उस जगह पे जहाँ पे मेरे को स्कूटी धोनी है, मतलब हमारे कॉलोनी के इधर ही है वो वेस्ट पानी समझो, मतलब पीने वाला तो नहीं होता वो, ऐसी जो मतलब सीवर वगैरह से आता ना वो वाला पानी होता है, बस वहाँ पानी आ जाए। यहीं करते हैं स्कूटी को खड़ी, एक बार पानी चेक कर लूँ यार मैं, प्लीज़ पानी आ रहा हो। और चाबी निकाल लेता हूँ ये। चलो पानी तो आ रहा है, और फटाफट पाइप लगाते हैं। और गाइस एक बार पहले भी मैंने स्कूटी वॉश करी हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि स्कूटी वॉश में सबसे पहले क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल इसको पानी से धोएंगे, उसके बाद थोड़ा शैम्पू से इसको साफ करेंगे, उसके बाद फिर धोएंगे इसमें, उसके बाद फिर पॉलिश लगाएंगे। तो आओ फटाफट इसको भरकर पानी से धो देते हैं। अबे ले पाइप ही निकल गया। अबे ये कैसे निकला है, आधा सामान रह गया पाइप का, आधा निकल गया। मुझे लगता है पाइप में थोड़ा और डालना पड़ेगा अंदर। देखो इसकी इस जगह पे कितना गंद लगा पड़ा है, इसको भी धोते हैं। तेज प्रेशर मारता हूँ तभी निकलेगा यहाँ से, जितना भी कीचड़ लगा पड़ा है। हाँ निकल रहा है। बाकी इस पर भी पानी डाल के देखेंगे। रुको थोड़ा, पहले मैं यार स्कूटी साफ कर लूँ, वरना इसके चक्कर में ना मैं स्कूटी अच्छे से साफ नहीं करूँगा। ये देखो यहाँ पे कितनी मिट्टी लगी है। इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि एकदम पास ले दो पाइप को और प्रेशर से साफ करो उसको। तो देखो गाइस ये ना मेरा फ्यूल कैप, अब इस पर ना जैसे रेनी सीजन में बारिश होती है वैसे पानी डालेंगे, मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं डालेंगे, ऐसे डाल के तो 100% जाएगा ही जाएगा, थोड़ा ऐसे डालते हैं जैसे बारिश हो रही है कि उसके ऊपर ड्रॉप्स जा रही है। ये देखो गई जा रही है, ये देखो इतना पानी गया। अब बारिश होगी, हम चलती बारिश में तो जाके फ्यूल टैंक नहीं खोलेंगे ना, तो अभी इसके लिए 2-3 मिनट रुकते हैं, उसके बाद खोल के देखते हैं कि इसके अंदर पानी गया या नहीं गया। चलो गाइस अब इसका फ्यूल टैंक खोल के देखते हैं कि पानी गया अंदर या नहीं गया। 3-2-1 ओह मेरे सामने ही चला गया अभी, मतलब ये जो ये चीज़ है ना ब्लैक ब्लैक, ये रोक देती है अंदर पानी जाने से। लेकिन देखो इसी में ना मेरा पानी की ड्रॉप्स चली गई, जैसे मैं झटके से खोलता हूँ तो मेरे सामने एक पानी की ड्रॉप अंदर गई और बाकी सारा पानी इस जगह पे कवर हो गया। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए ना तो इतना बुरा भी नहीं है, मतलब वो ही है बहुत कम पानी अंदर जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब 3-4 ड्रॉप्स जाएंगे अगर आपके पेट्रोल में पानी की, तो मेरे को नहीं लगता उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। बाकी मतलब बेसिकली ना ये टैंक के नीचे एक वो है,
रबड़ का लगा हुआ है ब्लैक कलर का, उससे पानी अंदर नहीं जाता। लेकिन अगर उस रबड़ में पानी टिका हुआ और तुमने तब ये फ्यूल टैंक खोला ना, तो उससे एक दो ड्रॉप अंदर जाती है, बाकी जितना पानी होता है वो रबड़ अपने साइड में रोक लेता है। और साइड से ये जो पूरा टैंक है ना, इससे नीचे चला जाता पानी पूरा, मतलब पूरा इनका वो सिस्टम बना होता है कि वहाँ से ड्रेन होकर पानी सीधा नीचे चला जाता है। और गाइस देखो, एक बाल्टी में मैंने पूरा शैम्पू मिक्स कर लिया है, अब एक कपड़े से पूरी स्कूटी पे शैम्पू मारेंगे। अब इस पर सिर्फ पानी मारेंगे और इसके सूखने तक का वेट करेंगे, और जब ये सूख जाएगी तब इस पर पॉलिश लगाएंगे। तो अब स्कूटी को एक बार और अच्छे से पानी से धो दिया, मतलब अच्छे से नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से, ताकि जो डस्ट है वो सारी निकल जाए अच्छे से। हम अगर रगड़ेंगे तो और डस्ट लग जाएगी, और वेट करेंगे जब ये थोड़ा सूख जाएगी ना, तब इस पर पॉलिश लगाएंगे। तो गाइस देखो, ये रही स्कूटी और ऑलमोस्ट अब सूख चुकी है, तो अब हम इस पर पॉलिश लगा सकते हैं। फटाफट इसमें पॉलिश लगाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कितनी शाइन मारेगी। ये रही पॉलिश, और लगाते हैं स्कूटी में। बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर ली आज, और फाइनली आप देख सकते हो कि स्कूटी में पॉलिश लगा दी, और ये देखो कितनी शाइन मार रही है स्कूटी। मतलब नॉर्मली वीडियो में नहीं दिखेगी, बट वैसे लिटरली बहुत ज़्यादा शाइन मार रही है। बाकी गाइज यही था इस व्लॉग में, मैंने बेसिकली इसके फ्यूल टैंक का टेस्ट करा कि इसमें पानी जाता है नहीं जाता, और बहुत ही मिनिमम पानी जाता है, जिससे पेट्रोल पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना हमारे स्कूटी के इंजन में। बाकी आई होप आपको व्लॉग पसंद आया, अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कर देना कमेंट। मिलता हूँ आप सबसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। महादेव महाकाल के सहारे होंगे सबके, बार न्यारे सान नहीं कर रहा कोई हम पे, जो कर रहा खुद कर रहा मैं अपने दम पे, आड़ा टेढ़ा नहीं बलि नहीं दे रहा मुझे फंड, मुंह मत लग छूटे कर दूंगा झंड, ज्वाला हूँ मैं हूँ प्रचंड, नकली है तू फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी, हाँ फितरत पाखंड तेरी बेटा, हाँ फितरत पाखंड तेरी। इतनी ठंड में उत्तराखंड में पूरा बंड में।